Joining us is Reverend Dr. Paul Swaroop, Bishop of Delhi, CNI. Would you join us, please? Thank you. Honorable Prime Minister Ji, ये निमंत्रण आपने हम सबको दिया है कि हम सब मिलकर आपके साथ क्रिसमस मनाएं, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं. थैंक यू सो मच. क्रिसमस का दिन में जो है सबसे पहला जो खबर जो है जो मैदान में जो गेडरिये थे, चरवाहे थे, उनको मिला है. वो गरीब लोग थे और उनको ये बताया गया कि डरो मत, क्योंकि आज तुम्हारे लिए एक आनंद का सुसमाचार मैं सुनाता हूँ कि दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है. और ये सुसमाचार क्या है, क्या सुसमाचार उन्होंने सुनाया? मैं 2 मिनट के अंदर उस कहानी को सुनाना चाहता हूं कि ये शब्द रहित एक पुस्तक है. इसमें कोई शब्द नहीं है परंतु पूरे कहानी इसके अंदर है. परमेश्वर ने सब कुछ सृष्टि किया, वो हरा रंग है, ग्रीन फॉर क्रिएशन. परंतु क्या हुआ, मानव जाति जो है परमेश्वर के विरोध गया और उल्लंघन किया, तो पाप हमारी दुनिया के अंदर आ गया, तो ये काला रंग है. परंतु परमेश्वर हमें ऐसे नहीं छोड़ा, उन्होंने बोला कि मैं इनको बचाऊंगा, इसलिए मैं इनके लिए एक उद्धारकर्ता का भेजूंगा. और आज जब हम क्रिसमस मना रहे हैं, हम उसी को याद कर रहे हैं कि एक उद्धारकर्ता हमारे बीच में जन्मा है. और किससे हमें बचाता है, वो हमें हमारी पापों से हमें बचाता है. और इसलिए वो इस दुनिया में आया, जिया है, वो हमारे लिए मरा है, अपने आप को एक बलिदान किया है. ये लाल रंग जो है उनके बलिदान के रूप में. तो जैसे वो हमारे लिए मरा, तो क्या हो जाता है, जब हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं तो हमें वो पवित्र करता, वो सफेद रंग है, ये हमें शुद्ध करता, पवित्र करता. और अगर हम इस पवित्रता के रास्ता में, अच्छाई के रास्ता में, सत्यनिष्ठा के रास्ता में अगर हम जीवन बिताते रहते हैं, फिर आखिरी में हमारे लिए सोने का मुकुट भी वो देगा. और आखिरी में हमें मालूम है कि परमेश्वर वापस आने वाला है और एक नई सृष्टि होगा, न्यू क्रिएशन, बैक टू हाउ क्रिएशन वॉज. सो दिस इज द गॉस्पल इन अ नटशेल, द स्टोरी ऑफ क्रिसमस, व्हाई क्राइस्ट केम. And so, Merry Christmas to you, Prime Minister Ji, and to all of you. God bless you all. Thank you, Reverend Dr. Paul Swaroop. Your message, आपने environment पर एक message दिया, और हम समझते हैं कि ये message बहुत महत्वपूर्ण है. अगला message